हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी, यहां पे पब्लिक नोटिस आया है डेटेड 2 नवंबर 2023, सीटीईटी जनवरी 2024 एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट सीटीईटी, यूपी टीईटी, उत्तराखंड टीईटी और अन्य सभी स्टेट्स के लिए होने वाले टीईटी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियोज हैं वो मिल सकें, और जो नए नोटिफिकेशन आते हैं एडमिशंस और जॉब्स के लिए वो मिल सकें। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आए सीटीईटी जनवरी 2024 के लिए, तो इसमें इस बारे में जानकारी दी जा रही है। ये जो पब्लिक नोटिस है 2 नवंबर 2023 का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई सीटीईटी जनवरी 2024, तो पब्लिक नोटिस जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसमें मैं आपको दोनों में इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पहले यहाँ पे मैं आपको इसका जो इंग्लिश वर्जन है ये बता रहा हूँ। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 18th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी ऑन 21st जनवरी 2024 संडे। तो ये जो एग्जाम है सीटीईटी के 18वें एडिशन का, ये होगा 21 जनवरी 2024 संडे को। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस इन 135 सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। तो जो ये इंट्रेंस एग्जाम है ये 20 लैंग्वेजेस में और पूरे इंडिया में 135 शहरों में होगा। द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस लैंग्वेजेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन फी एग्जामिनेशन सिटीज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स विल बी अवेलेबल ऑन सीटीईटी ऑफिशियल वेबसाइट सीटीईटी.nic.in। Shortly, and aspiring candidates are requested to download in information bulletin from above mentioned website only and read the same carefully before applying. The aspiring candidates have to apply online only through CTET website CTET.nic.in. The online application process will start from 3rd of November 2023. तो 3 नवंबर 2023 से ये start हो चुका है। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 23rd of November 2023। जो लास्ट डेट है 23 नवंबर 2023 है, एंड फी कैन बी पेड अप टू 23rd of November 2023 टिल 11:59 PM। तो जो फीस है वो 23 नवंबर 2023 को 11:59 PM तक पे की जा सकती है। डायरेक्टर सीटीईटी की तरफ से नोटिफिकेशन है। एड्रेस है सीटीईटी यूनिट PS12 इंस्टीट्यूशनल एरिया IP एक्सटेंशन पतपरगंज डेली 110092। टेलीफोन नंबर वेबसाइट, तो यहाँ पे है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2 नवंबर 2023 का नोटिस है CBSE CTET जनवरी 2024। सार्वजनिक सूचना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21 जनवरी 2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का 18वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर के 135 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही CTET की आधिकारिक वेबसाइट CTET.nic.in पर उपलब्ध होगा, और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड करें। केवल उपयुक्त वेबसाइट से बुलेटिन और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल CTET वेबसाइट CTET.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर 2023 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023 है, और शुल्क का भुगतान 23 नवंबर 2023 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकता है। निदेशक CTET। तो इस वीडियो में CTET के लिए जो नोटिफिकेशन आए संबंध में जानकारी दी गई है, और जो कैंडिडेट CTET, UPTET, उत्तराखंड TET, राजस्थान RTET और अन्य सभी स्टेट्स के लिए होने वाले TET, CTET आदि एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों पेपर्स के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं,
19411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।